أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر خلفة لمن أراد وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम। जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर आज 25 रमज़ानुल मुबारक शुरू हो गई है। दरमियानी और तीसरी ताक रात 25वीं शब जहन्नुम की आग से निजात का आखिरी अशरा भी गुजर गया। यकीनन अब वक्त बहुत कीमती है, इन अय्याम को गनीमत जानिए, अपनी मगफ़िरत की दुआ कीजिए और अल्लाह को राज़ी करके इस माह मुबारक की बरकत और रहमत से फैज़याब हो जाइए। कौन जाने कि आइंदा साल किसके नसीब में लिखा है। आज हमने जिस मौज़ू का इंतखाब किया है वो बहुत अहम है, क्योंकि आज हम शायद अपनी आखिरत को भूलकर इस फ़ानी दुनिया की मादियत में खो गए हैं। तकब्बुर, खुदपसंदी और दीगर अखलाकी आर्ज़ों में मुब्तला होकर हम भूल गए हैं कि हमें लौट कर अपने रब की बारगाह में भी जाना है।
हमारा आज का मौजू इसी हवाले से है कि ए इंसान, तू समझता है कि हमेशा जिंदा रहेगा। हमने इस हवाले से कुछ आयात का इंतखाब किया। आज इस डिस्कशन में जो मेहमान मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं वो हैं अलहाज यूसुफ मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा फैसल अजीज़ी बंदगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मारूफ़ स्कॉलर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे साथ मुफ्ती इमरान खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। यह हमारा आज का पैनल है और आज हम सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 35 का इंतखाब किए हुए हैं। मैं अर्ज करता हूं उसका तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शख्स को मौत का मजा चखना है और हम तुम लोगों की सख्ती और आसूदगी में आजमाइश के तौर पर मुब्तला करते हैं और तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे दरमियान जो हमारे पैनल के मारूफ स्कॉलर्स तशरीफ़ रखते हैं उस हवाले से मेरा पहला सवाल है कि इस सराय फ़ानी में कौन शख्स किन वजूहात के बिना पर हमेशा ज़िंदा रहने के गुमान में मुब्तला हो जाता है। मैं दरख्वास्त करूँगा फैसल साहब से कि इस हवाले से कुछ रोशनी डालिए। इस सराय फ़ानी में वो लोग अपनी मौत को फरामोश कर बैठते हैं जिनके नज़दीक ये दुनिया ही सब कुछ है। ज़िंदगी गुजारने के जितने भी नज़रियात हैं उन तमाम नज़रियात में मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिस पर मसलकी और मज़हबी इख्तलाफ़ कुजा हर इंसान इस पर यकीन रखता है कि एक दिन उसे मरना है। एक मरतबा शायद खुदा का इनकार कर दीजिए, रब का इनकार कर दीजिए, लेकिन मौत का नहीं कर सकते। इसलिए कि ये मुशाहिदा है। मुशाहिदा हर रोज़ देखते हैं और ये अकीदा सिर्फ इंसानों के अंदर ही मौजूद नहीं है। ये हैवानात में भी आप देखेंगे कि एक हैवान को अपनी जान का ख़तरा हो तो उसकी कैफियत बदल जाती है। उसकी कैफियत का बदलना इस बात की अलामत है कि उसके नज़दीक कोई तसव्वुर मौत है, तभी तो वो अपनी जान का दिफा करता है। यकीन तभी वो अपनी जान का बचाव करता है। तो मौत का अकीदा ऐसा है कि हिंदुस्तान के चकबस्त ने, मशहूर शायर ने, उसने मौत पर बहस की। वो मुस्लिम नहीं थे लेकिन उन्होंने मौत पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। बिल्कुल, वो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो अनासिर की बात करते हैं और जब चकबस्त की बात करते हैं तो बहुत मशहूर शेर है। बिल्कुल, इन्हीं। और गालिब ने भी अपने रंग से कहा, गालिब ने कहा कि नींद क्यों रात भर, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो जैसे मीर तकी मीर ने कहा कि मौत मानदगी का एक वक्फा है, यानी आगे चलकर दम लेंगे। ये वो शख्सियात हैं जो मज़हब के हवाले से मारूफ नहीं हैं लेकिन हर एतबार से मौत पर गुफ्तगू है, मौत पर बहस है। सवाल ये है कि मौत को फरामोश कौन करता है। ये हमारा सवाल हम लेंगे आपसे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। वेलकम बैक, जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। आज हमारा मौजू है ए इंसान, तू समझता है कि हमेशा ज़िंदा रहेगा। इस पर हमारे पैनल की गुफ्तगू जारी रहेगी लेकिन सबसे पहले आज हम बारी ताला पर जाएंगे छोटे से एक सिनेरियो के साथ कि आज पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पानी की वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उसी सिनेरियो में मैं दरख्वास्त करूंगा अलहाज यूसुफ मेमन साहब से। ताला के ज़िमन में ये मारूज़े के चंद अशआर हैं। करम कर हमारे हाल पर, ए करीम करम कर
हमारे हाल पर, ए करीम तेरा नाम रहमान और है रहीम, करम कर हमारे हाल पर ऐ करीम। तू करीम ही जो ठहरा तो कर्म का क्या ठिकाना, तू नवाजने तो नवाज दे जमाना, या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या रहीम, करम कर हमारे हाल पर ऐ करीम। न कर नजर मेरे जुर्म गुनाह बेहद पर, इलाही तुझको गफूर रहीम कहते हैं, कहीं अदूब ना कहीं देख कर मुझे मोहताज, कि ये उसका बंदा है जिसको करीम कहते हैं, या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह रहमानु या रहीम। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए, अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, या इलाही फेर दे दिन गर्दिश अय्याम के, खल्क के रांधे हुए दुनिया के ठुकराए हुए मौला आए हैं अब दर पे तेरे, हाथ फैलाए हुए ख्वार हैं मदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है, या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या रहीम, करम कर हमारे हाल पर ऐ करीम। जज़ाकअल्लाह, बारकअल्लाह और हमारी तरफ से आमीन, आमीन। नाज़रीन, ऐ हज़रत इंसान, तू समझता है कि हमेशा ज़िंदा रहेगा, यह है हमारा आज का मौजू। और मेरा सवाल ये है कि क्या मौत को फरामोश कर देने से अकायद
अखलाक और माशरती ज़िंदगी में कहीं डिस्टर्बेंस पैदा होती है? यह सवाल है मेरा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से। हाफ साहब हुक्म कीजिए। देखें जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ पे अपने रब्बुल आलमीन होने का जिक्र किया सूरह फातिहा में, उसके बाद अपने रहमान रहीम होने का जिक्र किया है, उसके बाद जो अल्लाह तबारक व ताला ने अहम तरीन बात कही है वो यौमिद्दीन यानी योम जदा का मालिक होने का जिक्र किया है। गोया कि अल्लाह तबारक व ताला इंसानों को जहाँ पर यह बात समझा रहे हैं कि तुम्हारा पालनहार भी मैं हूँ और मेहरबानी और रहमत करने वाला भी मैं हूँ, वहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ये बात भी बतला रहे हैं कि एक दिन मरने के बाद तुम्हें मेरी बारगाह में पेश होना है, और जब तुम्हें मेरी बारगाह में पेश होने का एहसास होगा तो अल्टीमेटली तुम इस चीज़ का ख्याल करोगे कि अल्लाह तबारक व ताला के सामने हमने किस मुँह से जाना है। अगर तुमने बदअमलियाँ की होंगी तो तुम्हें वहाँ पर उस चीज़ का भी हिसाब देना होगा, और अगर तुमने नेक अमाल किए होंगे तो उस सूरत में भी तुम्हें उसकी बारगाह में पेश होकर उस सारे के सारे मामले के हवाले से जो है अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पेश होना पड़ेगा। इसका मतलब यह है योम मात का तसव्वुर है, योम जदा का तसव्वुर है, बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर एक खुद एहतसाबी कैफियत को पैदा करता है। अगरचे बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि मोरालिटी के असूल या अखलाकियात के असूल इंसानों को बुराइयों से रोकते हैं, लेकिन हकीकी बात यह है कि यह बात मुसलमा है कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में जो पेशी का एहसास है जितना वो इंसान को बुराइयों से बचाता है उतना कोई दूसरा तसव्वुर इंसान को बुराइयों से बचाने के लिए मुआवन मददगार नहीं है। यही वजह कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को यह बात कही है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, अल्लाह से डर जाओ जैसा कि डरने का हक है और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। यानी अल्लाह तबारक व ताला इंसानों को यह बात समझा रहे हैं कि तुम्हें मेरी ताबेदारी में मौत आनी चाहिए, और ज़ाहरी बात है मौत का वक़्त अल्लाह के इलम में हमारे इलम में नहीं है। तो जब मौत का यकीन और एहसास हो जाएगा और हमें इस बात का इदराक हो जाएगा कि हमने मरना है, तो हम हर सांस हर लम्हा हर लहजा अल्लाह तबारक व ताला की बंदगी के अंदर जो है ना मशगूल रहने की कोशिश करेंगे। तो गोया मौत का तसव्वुर उसका इस्तेहज़ार जो है वो इंसानों को गुनाहों से बचाता है। अगर ये इस्तेहज़ार कमज़ोर हो जाए तो मैं ये बात समझता हूँ कि फ़िरौन कारून हामान के अंदर यही एहसास था या शद्दाद में यही एहसास था जिसकी अदम मौजूदगी ने उन्हें अल्लाह तबारक व ताला की बगावत के ऊपर मादा तैयार कर दिया था। जज़ाकअल्लाह। मालिक यौमिद्दीन, क्या ये मौत का इस्तेज़ार जैसे साहब ने फरमाया, साम साहब ने, आप फरमाइए इस हवाले से क्या कहें? सबसे पहली बात ये कि मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, चैनल का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज के इस मादा परस्त दौर में एक ऐसे उन्वान का इंतखाब किया कि जो हमें आखिरत से करीब तर कर देगा। और जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपका मुशाहिदा मुझसे कहीं ज़्यादा है, इस वक्त रमज़ान ट्रांसमिशन्स में जहाँ जहाँ जिस जिस चैनल पर जहाँ जिस उन्वान के ज़ेरे तहत बात हो रही है उसमें फ़लसफ़ा मौत और आखिरत पर कहीं बात नहीं हो रही है। तो इस फ़लसफ़ा मौत और हयात पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ, अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहती हूँ कि ज़िंदा है जो वो मौत की तकलीफ़ सहेगा, ज़िंदा है जो वो मौत की तकलीफ़ सहेगा, जब अहमद मुरसल ना रहे कौन रहेगा। यानी अगर कायनात में किसी को बाकी रह जाने का हक़ हासिल होता, किसी को कायम रह जाने का हक़ हासिल होता, तो आकाए दो जहाँ की ज़ाते गिरामी से बढ़कर, ताजदार अम्बिया की ज़ाते गिरामी से बढ़कर कौन सी ऐसी हस्ती थी जिसकी इस दुनिया में इस जहान को ज़रूरत थी। अच्छा, अब हम उस आयत का सहारा लेंगे मालिक यौमुद्दीन पर पहुँचने के लिए जो आयत ज़बान ज़द आम है। कुरान मजीद की कौन सी आयत ऐसी है जो कि दरख्शा नहीं, कलाम मुबीन का कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जो कि बाईस हिदायत नहीं, लेकिन उस आयत इलाही का क्या कहना, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का जायका चखना है। जिसने शिकम मादर की नरमी को गर्मी को महसूस कर लिया, अब उसे कब्र की सख्ती, कब्र की तंगी, कब्र की वहशत का सामना ज़रूर करना है। ये भी अजीब बात है, उलमाए दीन मौजूद हैं वो मेरी बात की ताईद करेंगे कि मौत कोई तख़सीस नहीं रखती, मर्द हो, औरत हो, मुसलमान हो, काफिर हो, अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मुसलमान हो, काफिर हो, कनीज हो, आका हो, गुलाम हो, जो भी इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से ज़रूर जाना है। मौत के आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, मौत का कोई कासिद नहीं होता, मौत आने से पहले कोई इशारा नहीं देती। यूँ कह लीजिए कि ये जो आयाई इलाही है ये एक नंगी तलवार है, ये ताजियाना इबरत है जो बनी नौ इंसानियत के सर पर
लटक रही है और हातिफ़ गैबी की निदा आ रही है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, अपने माल फनो हुनर पर, हसब व नसब पर, जाहो दौलत पर, इख्तियार पर, इक्तदार पर, सल्तनत पर नाज करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जो भी इस दुनिया में आ गया उसे दुनिया से जरूर जाना है। जिसने सांस ली उसे मौत का मजा चखना है। मुख्तसर, हमेशा जिंदा रहने की इंसान में ख्वाहिश क्यों होती है, यह सवाल करूंगा मैं इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से। सर फरमाइए कि इंसान में हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश क्यों जन्म लेती है। देखें जी, मैं समझता हूँ इसके दो दाई हैं। पहली दा जो इसकी बुनियाद है वो ये है कि इंसान अपनी खलकत को फरामोश कर देता है और इस बात को भूल जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको किस कदर बेकदर चीज़ से पैदा किया है, और वो ये समझता है कि जो अल्लाह ताला ने ताकत अता कर दी है शायद वो ताकत जो है उसको कभी जवाल नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत का इशारा जो है वह सूरह अलाला के अंदर भी किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम वअबका इन्ना हादा लफी सुहुफिल उला सुहुफ इब्राहीम व मूसा, कि हमें दुनिया की जो ज़िंदगी है ना उसके असरात हम पे आते हैं, उसकी कशिश जो है वह हमें अपनी तरफ खींचती है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बड़ी ऐसी चीज़ें पैदा की हैं जिनमें इंसान के लिए कशिश है, इंसान की औलाद में, इंसान के माल में, इंसान के बीवी बच्चों में, इंसान की खेती बाड़ी में, इंसान के देवरात में, घोड़ों के अंदर, सवारियों के अंदर। इंसान उस कशिश की वजह से हमेशा अपने लिए वक़्त और अपने लिए मोहलत को जना मांगता रहता है और उसके जहन के अंदर ये बात आती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लंबा अरसा जिंदा रहूँ, और जितना ईमान और इस्लाम से इंसान दूर होता है उतना ही उसके दिल के अंदर जो है ना ज़िंदगी की ख्वाहिश बढ़ती चली जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद के हवाले से इस बात का जिक्र किया है कि अगर वो 1000 बरस के भी हो जाएँ तो मरने के परमादा नहीं होते, और अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज के तौर पर यह बात कही है अगर तुम्हें योम हिसाब पर यकीन है तो मौत की तमन्ना करोगे तुम सच्चे हो। यानी यहूदी जो है वो कभी मौत के ऊपर मादा तैयार नहीं होंगे। इसका मतलब जितना इंसान बेअमल होगा उतना उसमें मौत की रगबत कम होगी। अगरचे बंदा मोमिन भी यह बात चाहता है कि मैं लंबा अरसा जिंदा रहूँ, लेकिन अमूमी एतबार से रगबत जो है बेअमलों में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको इस बात का पता होता है कि हमने अपनी आहरत के लिए या वो तसव्वुर जो उनके यहाँ में मौजूद नहीं होता आहरत का, वो समझते हैं हमने मरने के बाद दोबारा जी नहीं उठना, तो बाबर बैश कोश आलम दोबारा नेस्त जो कुछ हो रहा है इसी दुनिया में हो रहा है, तो हम क्यों ना इस दुनिया की रंगीनियों से और यहाँ की लद्दतों से ज़्यादा बहराबर हो जाएं। इसलिए इंसान मौत को नापसंद करता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हाफ साहब। इंशाल्लाह ताला आपसे इस मामले में फिर गुफ्तगू करेंगे। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। वेलकम बैक, जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है, ए हज़रत इंसान तू समझता है कि हमेशा ज़िंदा रहेगा? और इस हवाले से जो मेरा सवाल है वो ये कि इंसान में हमेशा ज़िंदा रहने की ख्वाहिश क्यों पैदा होती है? मेरा सवाल है मुफ्ती इमरान खान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा साहब, सबसे पहले तो हम बात को ज़रा सा पीछे से लेकर चलते हैं। जिस तरह हमारी बहन ने कुरान हकीम की आयत करीमा का मुख्तसर हिस्सा आपके सामने तिलावत किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मदा चखना है। अगर मैं और आप सिर्फ इस आयत करीमा के इस टुकड़े के ऊपर जो हमने तिलावत की है इस पर गौर करें तो इसमें लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जायका, और दुनिया में मेरा और आपका मुशाहिदा यह है कि हम कोई भी चीज खाते हैं, कोई भी चीज पीते हैं, कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसका जायका फकत वक्ती तौर पर हमारी जबान पर रहता है और उसके बाद एकदम खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कुरान हकीम कह रहे कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, तो मौत तो आनी है लेकिन वो फकत एक लम्हे की होगी, और जैसे ही हम मर जाएंगे इस दुनिया से हम रुखसत हो जाएंगे तो एक अगली जिंदगी की जानिब हमारा सफर शुरू हो जाएगा। जैसा कि शायर ने कहा कि मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम जिंदगी ये है शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी, कि ये एक जिंदगी तो खत्म हो रही है उसकी तो शाम हुई है मगर जो दायमी जिंदगी अब शुरू होने वाली है उसकी अभी तो सुबह शुरू हुई है। अब जब मेरे और आपके जहन में यह बात वाज़े हो जाएगी कि हमें मौत का मजा चखना है और मौत के बाद अगली जिंदगी की तरफ जाना है, तो आपका जो वो पिछला एक सवाल चला आ रहा था कि उससे हमारे अकायद और हमारे मामलात के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क ये पड़ेगा हमारी अकल में ये बात आ जाएगी कि जिस जिंदगी के लिए सुबह से लेकर शाम तक हम कोशिशें कर रहे हैं ये असल हमारी जिंदगी का मकसद और मतलूब नहीं है। मकसद और मतलूब एक मोमिन की जिंदगी का यह है कि वो उखरवी कामयाबी को हासिल करे और अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करके इस दुनिया से लौटे। जहां तक आप इस सवाल को पूछ रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस जानिब माइल रहते हैं कि हम दुनिया को अंदर ज्यादा से ज्यादा अर्सा रहें,
तो जिस तरह इब्तिसाम इलाही साहब ने फरमाया कि जो बंदा जितना ज्यादा गाफिल होगा वो उतना ही ज्यादा इस दुनिया की तरफ माइल होगा। हदीस शरीफ में आते हैं, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आए, आपने फरमाया खुदा के महबूब मैं मरना नहीं चाहता। नबी अलैहिस्सलाम आपने ये बात सुनी तो सुनकर फरमाया तुम्हारे पास कुछ माल है? फरमाया खुदा के महबूब माल तो बहुत है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको खर्च करना शुरू करो अल्लाह की राह में। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं, कुछ अरसा गुजरता है, वापस आते हैं, नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फरमाया अब तुम्हारी क्या कैफियत है? क्या खुदा के महबूब मौत की तरफ रगबत होनी शुरू हो गई है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो जिसका माल जहां पर होता है उसका दिल उसी जगह पर जाने को लगता है। जब तक तुम्हारा माल दुनिया में था तुम सिर्फ दुनिया में रहना चाहते थे, अब तुमने माल आखिरत की जाने भी भेज दिया इसलिए अब तुम्हारा दिल उधर भी लगने लग गया है। तो सहाबा कराम और नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात जो बात हमको समझा रही है वो ये है कि अगर मैं और आप अपने आप को इस बुराई इस ऐप से निकालना चाहते हैं उसका तरीका यह है कि हम आखिरत की तैयारी शुरू कर दें और अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दें ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मौत से मोहब्बत और इस जिंदगी से थोड़ा सा जुदा होने की तौफीक और सआदत अता फरमा दे। माशाल्लाह बहुत वजाहत के साथ आपने फरमाया कि जहां जरूरत हो वहां इन्वेस्टमेंट की जाए। बिल्कुल, इंसान तो इन्वेस्टमेंट करने वाला है ना, तो इन्वेस्टमेंट कहां कर रहा है? नॉर्मली जाते गिव एंड टेक की तरफ है। डेफिनेटली व्हाट एवर वी स्पेंड वी नॉर्मली गो टुवर्ड्स द रिवार्ड ऑफ दैट थिंग। जब हमें यह अंदाजा होगा कि जिस तरह हदीस में आया कि दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोगे वो काटोगे, तो हम जो भी दुनिया में करेंगे उसका रिवार्ड हमें आखिरत में मिलना है। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह मामलात की इस्लाह होना शुरू हो जाएगा। यकीन और मालिक यौमिद्दीन का जो जिक्र हुआ वो इसीलिए हुआ। मेरी दरख्वास्त ये सवाल ये है कि कुरान और हदीस में मौत को याद करने के हवाले से तालीमात क्या क्या हैं और उससे अखलाक पर किरदार पर क्या असरात पड़ते हैं, ये सवाल मेरा है इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब से। हफ साहब हुक्म कीजिए। देखें जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि हम इस बात को महसूस करते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम ने जो मौत का तसव्वुर पेश किया है वो दुनिया के अंदर किसी फ़लसफे के माहिर ने, किसी शायर ने, किसी अदीब ने पेश नहीं किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अपनी इस्लाही दावत की बुनियाद ही तसव्वुर के पर रखी है कि इंसान को मरने के बाद अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पेश होना पड़ेगा और जब उसकी बारगाह में पेश होगा तो वहाँ पर उसे एक एक ज़र्रे का भी हिसाब देना पड़ेगा। और अल्लाह तबारक व ताला ने कलाम हमीद के इस तसव्वुर मौत को उजागर करने के लिए मुतअद्दद सूरतों का नाज़िल किया जिनका नाम ही यौम हिसाब के ऊपर है। सूरह गाशिया, सूरह अल कारिया, सूरह अल हाका, सूरह वाकया, सूरह कियामा, ये तमाम की तमाम सूरतें अपने नाम से इस बात को इंडिकेट करती हैं कि अल्लाह तबारक व ताला मौत का जिक्र कर रहे हैं, दोबारा जी उठने का जिक्र कर रहे हैं। और इंसानों के अतबार से मैं सिर्फ एक पॉइंट को बढ़ाना चाहूँगा कि इंसानों की कैटेगरी दो हैं। एक वो लोग जिन्हें सिरे से अल्लाह तबारक व ताला की दात का यकीन नहीं है, यानी एथियस्ट लोग, अगरचे उनकी तादाद हमेशा दुनिया के अंदर इंतहाई कम रही है लेकिन इसके बावजूद एथियस्ट वो लोग हैं जिनका यकीदा है कि हमने जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात मौजूद नहीं, इस तरह हमने भी मर के जी नहीं उठना। जबकि उसके मद्दे मुकाबल दूसरी तादाद है उन अदियान के पैरोकारों की जो तसव्वुर मौत के ऊपर यकीन रखते हैं, चाहे वो ईसाईत हो, चाहे वो यहूदीत हो, चाहे वो इस्लाम हो। उनके यहाँ पर जो गफलत की वजह बुनियादी तौर पर पैदा होती है उनकी बदअमली होती है, और उनके यहाँ पर गफलत की जो वजह बुनियादी तौर पर पैदा होती है वो दुनिया से उनकी मोहब्बत। एक छोटा सा सवाल मेरा जी जी हाफ साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा कि ये अदियान जो आसमानी किताबों के हवाले से हैं, ये तसव्वुर सिर्फ उन्हीं के अंदर है या इसके अलावा जो और अदियान हैं उनमें भी ये तसव्वुर है? देखें जी, जहाँ तक ताल्लुक है उन अदियान का जो आसमानी सहीफ़ों में यकीन रखते हैं उनमें तो तसव्वुर मौत जो है इस्लाम से इस एतबार से मिलता जुलता है कि योम हिसाब का तसव्वुर मौजूद है। अगर आप उन अदियान की बात करें जिनका ताल्लुक आसमानी किताबों से नहीं है, मसलन हिंदू मत जो है, उनके यहाँ पर यही तसव्वुर जो है एक नया रुझान अख्तियार कर जाता है कि एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे का तीसरा जन्म, लेकिन उनके यहाँ पर ही मौत का एक कंसेप्ट ये है कि अगर आप अच्छे अमाल करके फोत होंगे तो आपको बेहतर जन्म के अंदर दुनिया में दोबारा भेजा जाएगा, और अगर आप कमतर अमाल करके फोत होंगे तो आप घटिया जन्म के अंदर जाएंगे। गोया कि वो भी इस चीज़ की तलकीन करते हैं कि आपके अच्छे अमाल का सिला जो है आपको बेहतर ज़िंदगी की शक्ल में मिलेगा। अगर उस ज़िंदगी का तसव्वुर उन अदियान से यकसर जुदा है जिनका आसमानी तालीमात के ऊपर यकीन है, हम तो इस बात का यकीन रखते हैं जन्नत और दोज़ख के तसव्वुर के ऊपर, और जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर ईसाईत के यहाँ पर भी मौजूद है और यहूदियत के यहाँ पर भी मौजूद है, अगरचे उसके अंदर काफ़ी सारा हिस्सा जो है ईसाईत के यहाँ पर उसका ताल्लुक अमल के साथ नहीं है बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम के कफ़ारे के ऊपर है, और यहूदियत के अंदर उसका ताल्लुक जो है उनकी नस्ल के साथ है। लेकिन इस्लाम की हुस्न हुबी की बात यह है कि ये हर जिन्न इंस के लिए, हर काले और गोरे के लिए, हर अमीर और गरीब के लिए दावत अमल देता है, और उनको यह बात कहता है फम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशति राज़िया वम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, जिसका दायां पलड़ा भारी होगा चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, वो जन्नती है। वम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया,
और जिसका बायां पलड़ा भारी होगा, चाहे वह दुनिया का मुअज्जज़ तरीन इंसान हो, दुनिया में साहिब वकार हो, दुनिया में साहिब हुकूमत हो, लेकिन वो जहन्नम में जाएगा, तो इसका मतलब ये है इस्लाम ने जो तसव्वुर दिया है मौत का, वो बिल्कुल जो है रैशनल है उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर रैशनैलिटी पाई जाती है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नसब की बुनियाद पर नहीं, या अल्लाह तबारक व ताला हमें किसी अकीदे की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अमल की बुनियाद का वह जन्नत के रागब फरमाते हैं। देखिए आगा साहब, मैं इधर एक बात बड़ी खूबसूरत आपकी खिदमत में ऐड करना चाहता हूँ। इमाम गजाली अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदे चार इकसाम पर हैं। फरमाते पहली किस्म वो है, वो मरना ही नहीं चाहते। ये वो अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी नफ्स के मुताबिक गुजारी, शैतान की तालीमात के मुताबिक गुजारी, तो उनको पता है इंदल्लाह हमारे लिए कुछ रखा हुआ नहीं है, अल्लाह की बारगाह से हमें कोई खैर और बरकत मिलनी नहीं है। फरमाए ये पहला तबका है। आप फरमाते दूसरा तबका वो है जो मरना नहीं चाहता लेकिन उसकी हालत पहले से बेहतर है। ये वो लोग हैं जो नेकी भी करते हैं और बदी भी करते हैं। अब ये चाह रहे होते हैं कि हम नेकी करते करते उस मकाम तक पहुंच जाएं कि अल्लाह की रजा हमको मिल जाए, और जब हम इस दुनिया से रुखसत हो तो इंदल्लाह कुछ ना कुछ माजूर ठहराएं, कुछ ना कुछ अजर के मुस्तहिक हो। फरमाए ये दूसरा तबका है। कहते लेकिन ये भी मंजिल पर नहीं पहुंचे। फरमाते असल तीसरा तबका है। तीसरा तबका वो उन लोगों का है जो कि मरना ही चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि दुनिया के अंदर जितनी नेमतें हैं वो महदूद है, वलल आखिरतु खैरुन व अबका, कि आखिरत की नेमतें वो दायमी होंगी। तो ये वो तबका है जो मरने वाला है। लेकिन फिर आप फरमाते लोगों ये जो तीसरा तबका हमने बताया ये भी असल तबका नहीं है। फरमाए असल तो चौथे तबके के लोग हैं जो खासुल खास लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं मौला अगर तू जिंदा रख कर राजी है तो हम जिंदा रह कर राजी हैं, अगर तू मार कर राजी है तो हम मर कर राजी हैं। फरमाते मोमिन के लिए मंजिल वो है कि अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को शामिल कर ले कि जिस हाल में मेरे रब ने मुझे रखा है मैं उस पर राजी हूं। यही बंदगी का तकाजा है और यही मोमिन की एक सिफत होनी चाहिए। बेशक बेशक, बंदगी क्या सिर्फ अल्लाह की रजा पर राजी रहने का नाम है, या इस तस्वुर जिंदगी और मौत में जिस तरह कहा कि जिंदगी मौत की खेती हमारी जिंदगी है, उस हवाले से कुछ फरमाइए फैसल साहब। बंदगी असल में यह है कि खुदावंद जुलजलाल के अहकामात के ताबे किया जाए अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को, और दुनिया को जो आखिरत की खेती करार दिया गया कि जो यहाँ पे इंसान बीज बोएगा आखरत में वैसी ही फसल पाएगा। इंसान की ज़िंदगी का सफ़र बड़ा तूलानी है। इंसान इस आलम में बशरियत में है, इससे पहले इंसान शिकम मादर में था, उससे कबल इंसान आलम अरवह में था, और आलम अरवह से भी कबल एक दौर जिसका तस्करा किया जाता है आलम सिर, कि जब रब्बे जुलजलाल ने इरादा किया कि मैं इंसान खल्क करूँगा, कि इंसान अपने वजूद में नहीं था, इरादा इलाही में था। लेकिन जो क़यामत में तमाम तर एहतसाब है वो आलम अरबा से मुतालिक नहीं पूछा जाएगा, शिकम मादर से मुतालिक नहीं पूछा जाएगा, इस दुनिया के मुतालिक कि तुमने इस दुनिया में क्या बोया है, इस दुनिया में तुमने क्या तैयारी की है। इसके बाद फिर एक आलम बरज़ख़ है, मरने से के बाद से लेके कयामत तक का दौर, उसके मुतालिक भी नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कब्र में क्या किया, तुमने शिकम मादर में क्या किया। इस दुनिया के मुतालिक क्यों? इसलिए कि इस दुनिया की ज़िंदगी में इंसान को अख्तियार दिया गया है, और फिर इस पर परखा जाएगा कि जो अख्तियार तुम्हें दिया गया था उस अख्तियार के साथ तुमने कितना अदल किया। तो इंसान को जो अख्तियार दिया गया है, इंसान उस अख्तियार के साथ अहकामाते इलाही के मुताबिक अदल करे तो वो दुनिया में एक ऐसी खेती तैयार, ऐसा बीज बो देगा जो आखरत में एक अच्छी खेती तैयार हो जाए। बेशक, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। आपसे बिल्कुल, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जैसा कि हमारे बिरादर मोहतरम इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने वहाँ से फरमाया कि ये जो तस्वुर आखिरत है ये सिर्फ इस्लाम का दिया हुआ तस्वुर आखिरत है। बहुत सारे मजाहिब अदियान आलम पाए जाते हैं दुनिया में, उसमें नज़रियाती मजहब भी हैं, अफकारी मजहब भी हैं, बहुत सारे अदियान आलम हैं, लेकिन उसमें आखिरत का तस्वुर मजहब इस्लाम देता है। अच्छा, ये जो आखिरत का तस्वुर है इसने हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को खूबसूरत बना दिया है, आरास्ता कर दिया है, सजा दिया है, संवार दिया है। और मैं आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए यकीनन इस अम्र की जानिब इशारा करना चाहूँगी कि अगर ये तस्वुर आखिरत ना होता तो आज मेरे और आप में से हम में से कौन ऐसा था कि जो इन नेकियों के वास्ते तैयार होता। हमें मालूम है दुनिया में कि आज अगर किसी यतीम के सर पर हाथ रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कल जन्नत की नेमतों से सरफराज होंगे।
हम किसी बेवा की खबरगीरी करते हैं, हमें मालूम है कि कल इंशाअल्लाह ताला जन्नत में परवरदिगार आलम रोज़े क़यामत हमें उसका सिला देगा, बेहद हिसाब देगा। कोई किसी को खाना ना खिलाता, कोई किसी प्यासे को पानी ना पिलाता, अगर उसे ये मालूम ना होता कि कल इसका अजर और सवाब मिलना है, और एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, पाँच आठ गुना नहीं, बल्कि 70 गुना, यहाँ तक कि 700 गुना अजर और सवाब मिलेगा। मैं इस पर बात जारी रखूँगा और मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा डिफाइन करें आप। हमारे पास एक कॉल है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब हमारे साथ हैं? जी उस्मान बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी उस्मान साहब। जी मेरा एक क्वेश्चन है, मैं तकरीबन 2 साल से 4 साल से इसमें फंसा हुआ हूँ कि मौत का वक्त एक मुतय्यन है जी, अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर मौत नहीं आ सकती बेशक। खुदकुशी में क्यों मौत आती है? क्योंकि जगह भी नहीं है, वक्त भी नहीं है अल्लाह पाक की तरफ। बेशक, ठीक है। मैं आपका सवाल, अगर आ जाती है तो वो हराम क्यों है? जी बहुत बेहतर। तो आपका सवाल ये है कि खुदकुशी हराम क्यों है? मुफ्ती इमरान साहब इसका जवाब बहुत अच्छा देंगे, मैं इनसे बात करता हूँ। एक छोटी सी मैं आपसे दरख्वास्त करूँ, हम जो आप बात फरमा रही थी वो जरा पूरी मुकम्मल कर लीजिए। हाँ, जैसे कि हमारे बरादर मदरम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है, तो हम इस दुनिया में जो कुछ भी कमाते हैं, जो कुछ भी नेकियां हासिल करते हैं, तो हमारा मतमईन आखिरत, एक मुसलमान का मतमईन आखिरत जो है वो आखिरत है, उसका जो नुक्ते नज़र है वो आखिरत है। आखिरत को हासिल करने के वास्ते आज हम यहाँ पर नेकियों की दुनिया को आरास्ता करते हैं, नेकियों की दुनिया को सजाते हैं। तो अब कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मैंने अर्ज़ किया था कि ये हर एक के वास्ते है, मखलूक़ात आलम में बनी नौ इंसान हर एक के वास्ते, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो आज जब हम नेकियों की जानिब आमादा होते हैं और ये तसव्वुर आखिरत और नेकियों की दुनिया ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो अब अमल की जो अहमियत है, यकीनन अमल की अहमियत से कौन इनकार कर सकता है? और दूसरी बात है कि अमल का सिला भी मालिक यौमुद्दीन से लेना है। बिल्कुल, सबसे बुनियादी बात ये। ये सवाल जो उस्मान साहब ने किया था फैसलाबाद से कि जब वक्त मुकर्रर है तो खुदकुशी क्यों आराम है, ये सवाल हम करेंगे इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से। हाफ साहब हुक्म कीजिए। देखें जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि पहली बात तो इन्होंने ये बात की है कि मौत का वक्त मुकर्रर है, इसलिए हम ये बात देखते हैं कि हर खुदकुशी की जो अटैम्प्ट जो है ना वो कामयाब नहीं होती, बल्कि कई लोग खुदकुशी की कोशिश करने के बावजूद अपनी इस अटैम्प्ट में कामयाब नहीं होती, अल्लाह ताला उनको दोबारा मोहलत दे देता है। और जहाँ तक ताल्लुक है खुदकुशी की कामयाब कफियात का, तो ये बात भी हमें माननी चाहिए कि वो कई लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह तबारक व ताला की तरह से मुतय्यन करदा वक्त ही के अंदर उनको मौत आती है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इसके हलाल और हराम होने का, तो इसलिए हराम होती है कि इंसान ने अपने इरादे से उसको हासिल कर लिया होता है और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी के जरिए उसने हासिल किया होता है। यहाँ पर मेरे जहन में थोड़ी सी वजाहत के लिए जो एक मिसाल आ रही है, मैं उसको यूँ रखना चाहता हूँ कि रिज़क अल्लाह तबारक व ताला ने बिल्कुल हर शख्स का जो है कतई तौर पर मुतय्यन कर दिया है, लेकिन उसको हलाल करना या उसको हराम ज़राए से कमाना या इंसान के हाथ में रखा है। अगर इंसान हराम ज़राए की बजाय हलाल ज़राए इख्तियार करे, तब भी अल्लाह तबारक व ताला जो है उसको वही रिज़क अता फरमाएंगे जो उसका मुकद्दर है, और अगर वो हराम के रास्ते पर चल पड़ता है तो फिर भी उसके रिज़क में हरगिज़ इजाफा नहीं होगा और उसको उतना ही मिलेगा जितना उसके मुकद्दर में था। लेकिन ये अलग बात है कि उसने अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करते हुए अपने इख्तियार से अपने हलाल रिज़क को हराम जरिए से हासिल किया। ऐन मुमकिन यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो उसकी मौत का वक्त मुतय्यन किया था, अगर वो हराम तरीके से उसको ना कमाता तो अल्लाह तबारक व ताला किसी और तरीके से उस वक्त को जो है ना उसके ऊपर ले आते। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इस बात की मजीद वजाहत का, चूँकि इसके अंदर एक तकदीर का भी नुक्ता जो है पचीदा पिन है, मैं इसलिए बहस को तूल दिए बगैर इस नुक्ते की तरफ आऊँगा कि इसलिए इंसान को गुनाह मिलता है कि वो अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करते हुए उस वक्त की तरफ पलटता है जो कि अल्लाह तबारक व ताला ने जिसकी उसको इजाज़त नहीं दी होती। और असल बात यह है कि इंसान का जो जिस्म है और इंसान की जो रूह है, ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उसकी इमानत है। हाथों को इस्तेमाल करना, कदमों को इस्तेमाल करना, आँखों को इस्तेमाल करना, और अल्लाह तबारक व ताला के हवाले से पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस हदीस को बयान किया है कि अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं मेरे बंदे ने इस मौत को हासिल करने के लिए जल्दी की, चुनाचे मैंने अपनी जन्नत से इसको दूर कर दिया। गोया कि वो उजलस का मुजाहरा करता है उस काम को करने के लिए जो इल्म इलाही के मुताबिक और इरादा इलाही के मुताबिक जिसका वक्त मुतय्यन होता है, लेकिन वो उस मुतय्यन वक्त को हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी वाला रास्ता अख्तियार करता है और उसकी डिसओबीडियंस का रास्ते के जरिए इसको कमाता है। थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी बात मैं कहूँ कि ताज़ीरात पाकिस्तान में उसको सज़ा मिलती है जो इस कोशिश में नाकाम हो जाता है, जो कामयाब जो ताज़ीरात पाकिस्तान में उसकी कोई लिखी हुई सज़ा नहीं है। हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब हमारे साथ हैं?
हेलो जी, हमारे साथ कौन साहब हैं? आगा साहब, ताहिर बोल रहा हूँ लाहौर से। जी ताहिर साहब, मुझे इब्तिसाम इलाही साहब से बात करनी है। जी, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी इनसे दूसरी दफा बात हो रही है इस चैनल पे। जी ताहिर साहब, इब्तिसाम साहब। वालेकुम सलाम, आप सवाल फरमाइएगा। जी मेरा पहला सवाल ये है कि जब मौत का टाइम मुकर्रर है तो फिर इंसान अपनी दराजी उम्र के लिए दुआ क्यों करता है? और दूसरा इम्तिहान साहब, मेरा मोबाइल निकला, ये दुनिया न्यूज वाले नहीं दे रहे। ठीक है, ये शिकायत आपकी हमारे चैनल वाले सुन लेंगे, सवाल का जवाब इब्तिसाम साहब देंगे। जी इब्तिसाम साहब, देखें जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि दराजी उम्र की यह दुआ है, मैं ये समझता हूँ ये फी नफ्स ही तकदीर इलाही ही का हिस्सा होती है। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बितु व इंदहू उम्मुल किताब, अल्लाह जिस चीज़ को चाहते हैं मिटा देते हैं, जिस चीज़ को चाहते हैं बाकी रखते हैं। असल किताब उसके पास है, उस किताब को हमने नहीं पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितना उसके अंदर इंसान की जो है ना ज़िंदगी लिखी है, 60 साल लिखी है, 100 साल लिखी है, 70 साल लिखी है। अगर अल्लाह तबारक व तआला दराजी उम्र की दुआ के नतीजे में 60 साल की जो तहरीर शुदा बात को 100 साल में कन्वर्ट कर लें, तो अल्लाह तबारक व तआला ही के हाथ में वो किताब है, हमने तो उस किताब को नहीं देखा। चुनाचे बाद ऐसे अमूर बतलाए गए हैं जिनमें सिला रहमी भी शामिल है और दुआ भी शामिल है, जो ज़िंदगी में इजाफे का बाइस बनती हैं। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जिन एलिमेंट्स को इंडिकेट किया है और उसके हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन एलिमेंट्स को इंडिकेट किया है, वो फ़ी नफ्सी ही अल्लाह तबारक व ताला की तकदीर ही का हिस्सा होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला उसी को दरादी उम्र की दुआ करने की तौफीक देता है जिसके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने दरादी उम्र को मुकर्रर किया होता है, और जो इस दुआ से महरूम रहता है इसका मतलब यह उसकी दरादी उम्र के इम्कानात भी मादूम हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि वो खालिक कायनात अगर लिखने पर कादिर है तो मिटाने पे भी कादिर है और दोबारा लिखने पे भी कादिर है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये कुरान की आयत है, यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इंदहू। इसलिए दराजी उम्र की दुआ, इसलिए दराजी उम्र की दुआ मांगने में और बाप बरकत उम्र की दुआ मांगने में कोई कबाहत वाली बात नहीं है। और इसके हवाले से जो एक वाकया जाया सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र का और आदम अलैहिस्सलाम की उम्र का, वो अहादीस के अंदर भी मशहूर है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के जो चंद साल थे वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए, तो बाद जब मलकुल मौत आया तो उन्होंने कहा जी वो आलमे रवा में होने वाला मुकालमा वही याद नहीं है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की भी उम्र को बढ़ा दिया और दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को भी बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये कि ये दुआ करना आप फरमा रहे हैं कि जायज है, करनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें मोहलत दे, अल्लाह तबारक व ताला हमें फुर्सत के लम्हात दे, अल्लाह हमारी उम्रों में बरकत नसीब फरमाए ताकि हम अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा वाले अमाल को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। चूँकि अहादीस में इस बात की इंडिकेशन मौजूद है कि लंबी उम्र वाला मोमिन जो है अपने दर्जात के लिहाज से और अपने अफ़ाल खैर के लिहाज से कम उम्र मोमिन के मुकाबले में ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों को समेट लेता है। बेशक, तो क्या ये दुआ हमेशा खैर के साथ मांगनी चाहिए या कोई मखसूस अल्फाज इसके कुरान करीम में मिलते हैं? बिल्कुल जी, ये दुआ खैर के साथ मांगनी चाहिए, और यहाँ पे मुझे नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस भी याद आ रही है जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला तेरा इलम और तेरी कुदरत जो तुझे अपनी हलकत के ऊपर हासिल है, मुझे जिंदा रखना जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो और मुझे वफात दे देना जिसको वफात मेरे लिए बेहतर हो। तो इसका मतलब यह है वहाँ पर आपने खैरियत के साथ जो है ना ज़िंदगी के अल्फाज को जोड़ा है और वफात के अल्फाज को भी हैरियत के साथ जोड़ा है। मोमिन की ज़िंदगी फितने से पाक हो और हैरियत के ऊपर रहते हुए अगर बढ़ जाए तो मैं समझता हूँ ये मोमिन के लिए बहुत बड़ी जो है ना फ़ायदे वाली बात है, और अगर हैरियत की बजाय फितने वाली ज़िंदगी हो जाए और इंसान का ईमान और उसका हिदायत वाले मामला खतरे में पड़ जाएँ तो उससे मौत का वक़्त जो है वह ज़्यादा बेहतर है। आम तौर पर हमारे यहाँ कहते हैं कि लोग जो है वो 60 साल के बाद सठिया जाते हैं, उसके बाद कुछ घूम जाते हैं, आप समझते हैं कि इन तमाम हवालों से खास तौर पर खैर की दुआ मांगनी चाहिए? देखिए जी, मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, ये बात अहादीस मुबारक और कुरान मजीद की आयात को जब मिलाया जाए तो यूँ महसूस होता है कि जो बंदा 40 बरस की उम्र को पहुँच जाता, जैसे अल्लाह ने सूरह काफ में कहा हत्ता इज़ा बलगा शुद्दहू बलगा 40 सना, यहाँ तक कि जब इंसान अपनी उम्र के कमाल को यानी 40 बरस की उम्र को पहुँचा और उसने अल्लाह तबारक व ताला से अपने लिए खैर की दुआएं मांगी है, दुआ लंबी है लेकिन खुलासा कलाम जैसे खैर की दुआ मांगी तो अल्लाह ताला उसके नेक अमाल को कबूल करता है और उसकी बुराइयों को माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर देता है। जबकि हदीसें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि 60 बरस की उम्र तक आदमी जो है जिस वक्त अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी के रास्ते पर चलता रहता है तो उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला उसका कोई उधर कबूल नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक और हदीस को ऐड करूंगा कि अल्लाह तबारक व ताला जिन लोगों पर इंतहाई गुस्से में आएंगे उनमें बूढ़ा बदकार भी शामिल होगा जिसने अपनी उम्र अजीज की के बेशतर लम्हात और बेशतर अय्याम और माह साल जो है वो अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी में खर्च कर दिए और बुढ़ापे तक भी उसने अपनी इस्लाह नहीं की।
जजाकल्ला। हमें जाना एक ब्रेक पर, जश्न रमजान दुनिया न्यूज पर। जश्न रमजान दुनिया न्यूज पर आज 25वीं शब है। क्या कहूं, कितने लम्हे रह गए, कितने किसके नसीब में। आइए नाते रसूल मकबूल सुनते हैं अलहाज यूसुफ मेमन की जुबान। छोड़ फिक्र दुनिया की, फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, रहमतों की चादर के साए साए चलते हैं, रहमतों की चादर के साए साए चलते हैं। मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं, मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया के, नक्श कर ले सीने पर नामे सरवरे दी को, नक्श कर सीने पर नामे सरवरे दी को। ये वो नाम है जिसे सब अजाब टलते हैं, ये वो नाम है जिसे सब अजाब टलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया के, हमको रोज मिलता है सदका कमली वाले का, हमको रोज मिलता है सदका कमली वाले का। मुस्तफा के टुकड़ों पर खुश नसीब पलते हैं, मुस्तफा के टुकड़ों पर खुश नसीब पलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया के, सिर्फ सारी दुनिया में वो है कुचाए अहमद, सिर्फ सारी दुनिया में वो है कुचाए अहमद, जिस जगह पे मुझ जैसे खोटे सिक्के चलते हैं,
जिस जगह पे मुझे जैसे खोटे सिक्के चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया के, उनको क्या जरूरत है इतरो मुश्को अंबर की, उनको क्या जरूरत है इतरो मुश्को अंबर की, खाक जो मदीने की अपने तन पे मलते हैं, खाक जो मदीने के अपने तन पे मलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया के। मक्ता सच है गैर का एहसान वो कभी नहीं लेते, सच है गैर का एहसान वो कभी नहीं लेते, ऐ अलीम आका के टुकड़ों पे जो पलते हैं, ऐ अलीम आका के टुकड़ों पे जो पलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। जज़ाकअल्लाह, बारकअल्लाह, सुभानअल्लाह। नाज़रीन, जश्न रमज़ान दुनिया टीवी पर जारी है। हमारा आज का टॉपिक है, ऐ हज़रत इंसान तू समझता है कि हमेशा ज़िंदा रहेगा। हमें जाना है एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर नाज़रीन, आपको पता है कि हम रोज़ाना आपको किसी न किसी शहर के हम अपने नुमाइंदे से बात करवाते हैं और वहाँ पर क्या मसरूफियात हैं उसके बारे में आगाह करते हैं। आज हमारे साथ मोहसिन है रावलपिंडी में। मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आगा साहब। आप कहाँ हैं मोहसिन इस वक्त और वहाँ पर क्या मसरूफियात हैं? मैं इस वक्त रावलपिंडी के इलाके बनी में हूँ, जो राजा बाज़ार की बैक साइड पे है, और आप मेरे पीछे रश भी देख रहे होंगे और काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी शोर भी है यहाँ पर। मुझे आपकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है लेकिन काफ़ी आहिस्ता सुनाई दे रही है शोर की वजह से। जी बहुत शुक्रिया। वहाँ पर क्या मसरूफियात हैं आप हमें बताइए? आगा साहब, एक महीना हो गया तकरीबन, एक महीना हुआ जाता है तकरीबन, यहाँ पर इसी तरीके से ही रश है और पहले दिन से सहरी से यहाँ पर अहतमाम है। इस बाज़ार में लोग आते हैं, सहरी करते हैं, सहरी में तरह तरह के खाने हैं यहाँ पर, पाए हैं, उसके अलावा चिकन कौरमा है, निहारी है, और इसके साथ साथ लस्सी है, कुल्फ़ी जो है यहाँ की एक सौगात है, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग खाने को तरजीह दे रहे हैं क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। तमाम आज सुबह होने वाली बारिश के बाद यहाँ पर मौसम तो काफ़ी खुशगवार हो गया, तो उसी मौसम का भी वजूहत हैं, और उसके साथ साथ आज वीकेंड भी है सुबह, और इस्लामाबाद से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सैरी का अहतमाम कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पीछे अगर हम उनसे बात भी कर सकें, आपकी बात उनकी बात भी सुनवाएं, तो वो बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पर सैरी करने के लिए। जी भाई, कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है? हम यहाँ पर रवाज से आए अफ्तारी करने के लिए स्पेशल, आज संडे का दिन था इस वजह से। आगा साहब, यहाँ पर रश बहुत है, काफ़ी डिस्टर्बेंस भी हो रही है हमें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लोगों से ज़्यादा बात करें क्योंकि लोग यहाँ पर काफ़ी हैं। जी भाई, कहाँ से आए हैं आप? मेरा ख्याल है से। अच्छा, मोहसिन, क्या यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ आपका लगी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बहुत अच्छा आप हाल सुना। थैंक यू वेरी मच मोहसिन। ये थे मोहसिन जो रावलपिंडी का हाल बता रहे थे। हम वापस स्टूडियो में अपने उसी टॉपिक के साथ कि ऐ हज़रत इंसान तू समझता है कि हमेशा ज़िंदा रहेगा, हमारी अब तक की जो गुफ्तगू थी उसके हवाले से थोड़ा सा समअप चाहूँगा फैसल अज़ीज़ी साहब से। सर, इंसान जानता है उसे मरना है, लेकिन ये जानना
उसके शख्सियत पर, उसके किरदार पर कितना असर अंदाज होता है और कितना नहीं होता। मसला बुनियादी ये है, जानता तो हर एक है मरना है, लेकिन ये मरने का एहसास वो कितना महसूस करता है। और अब तक जो हमने गुफ्तगू की, जिसके नतीजे में हम इस पर पहुँचे कि मौत एक आफाकी हकीकत है, मौत का तसव्वुर हर मज़हब में किसी न किसी तौर मौजूद है, लेकिन मुसलमानों के यहाँ मौत का तसव्वुर ऐसा नहीं कि मौत आई और मर गए। मुसलमानों के यहाँ मौत का तसव्वुर एक मरहले से दूसरे मरहले में दाखिल होने का नाम है। मौत एक दरवाज़ा है जिसके पार एक और नया जहाँ मुंतज़िर है। मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि जिस तरह से एक बच्चा शिकवे मादर में होता है, उससे कहा जाए कि आगे एक वसी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो वो बच्चा तसव्वुर नहीं कर सकता कि आगे कौन सी वसी दुनिया होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज इस आलम रंगोबू में जो अफराद मौजूद हैं, उनसे कहा जाए कि हयात बादुल मौत है, आखिरत है, एक वसी दुनिया तुम्हारी मुंतजर है, तो वो उनके ख्याल और इम्कान में वो नहीं आ सकती है। बड़े खूबसूरत एक बात की, इस पर मुझे भी एक बड़ा बेहतरीन एक बुजुर्ग का जुमला याद आ रहा है। आप फरमाते हैं कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो रो इसलिए रहा होता है कि वो समझता है कि मैं अपनी दुनिया से निकाला जा रहा हूं, हालांकि उसको ये बात पता नहीं होती कि असल दुनिया तो ये है जिसमें तू आ रहा है, वो तो कैद खाना था। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान इस दुनिया से जा रहा होता है तो वो ये समझ रहा होता है कि मैं दुनिया से निकाला जा रहा हूं, असल बात ये होती है कि जालिम असल दुनिया तो वो है जहां तू अब जा रहा है, ये दुनिया कैद खाना थी जहां पे तूने महदूद वक्त के अंदर जिंदगी के लम्हात। आमतौर पर लोग कहते हैं कि शायद शिकम मादर में बच्चे के अंदर सेंसेस नहीं होती, लेकिन जदीद तहकीक ने यह साबित किया कि चौथे से लेकर पांचवें महीने के दरमियान सेंसेस मौजूद होती हैं और वो उन तमाम कैफियत को महसूस करता है जो माँ उठा रही होती है। ये सबसे बड़ी बात है, मेडिकल साइंस कहती है कि इस जमाने में, इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में माँ को खुशोखर्रम रहना चाहिए, क्योंकि उसकी जो जहनी और नफसियाती कैफियत है वो उस बच्चे के ऊपर असरअंदाज होती है। तो क्या ये जहनी कैफियत जो माँ की है अगर इस छोटे बच्चे पे असरअंदाज हो रही है, तो वो जहनी कैफियत जो हमारी ज़िंदगी में हमारी है आखिरत के हवाले से और आखिरत की मौजूदगी के हवाले से और उसके ईमान के हवाले से क्या? आगा साहब, मैं यहाँ पर अपने वालिद मरहूम का एक जुमला दोहराना चाहूँगी। वो हमेशा ये कहा करते थे कि हर इंसान की मौत उसकी ज़िंदगी का आईना हुआ करती है, यानी इंसान जैसी ज़िंदगी गुजारता है वैसे ही उसकी मौत होती है। देखिए, ज़िंदगी सबकी मुख्तलिफ है, मेरी ज़िंदगी अलग है, आपकी ज़िंदगी अलग है, हर इंसान की, और हर इंसान अपनी जिंदगी के मुतालिक बहुत अच्छी तरह से जानता है। ऐसे ही हर इंसान की मौत भी मुख्तलिफ होती है, मौत की अकसाम होती हैं, यानी कोई मरता है कुफर की मौत, कोई मरता है शिर्क की मौत, कोई मरता है निफाक की मौत, कोई मरता है इस्लाम की मौत, कोई मरता है ईमान की मौत। आपको हवाला दे रही थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया कि बनिए नौ इंसान, जो हमारी थीम है आज की गुफ्तगू का, कि क्या तू हमेशा यहाँ पर रहेगा, कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की मुकद्दस सरजमीन पर ऐलान रिसालत किया और आपने फरमाया कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तफलहु, आ जाओ कलमाए तौहीद पढ़ो, इस्लाम के परचम तले आ जाओ, फलाह में आ जाओ, निजात को हासिल कर लो, तो उस वक्त जितने मजलूमीन थे, जितने मुस्तज़अफ़ीन थे, वो चौक दर चौक दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। मक्के के तमाम काफिर, तमाम मुशरिक, तमाम बुतपरस्त, तमाम बदकार, तमाम मैख़्वार मुत्तहिद हो गए, उन्होंने एक अहज़ाब की सूरत बना ली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। अब सरकार रिसालत माफ़ के लिए चिमिगोइयाँ, प्रोपेगेंडा होने लगा कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कितने दिन की है मोहम्मद की ज़िंदगी, एक इंसान की औसतन ज़िंदगी 60-70-80 बरस होती है, और जब माज़ल्ला सम्माज़ल्ला नक़ल कुफ्र कुफ्र नाबशद, मेरे अल्फाज नहीं है, तारीख की हकीकत है, और जब मोहम्मद खुदा ना खास्ता जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर अल्लाह ना करे यही हमारा दीन होगा, यही कुफ्र होगा, यही बुतपरस्ती होगी। तो उस वक्त परवरदिगार आलम ने इस आयत को कलबे मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ए मेरे हबीब मोहम्मद की मौत का इंतजार करने वालों, क्या तुम ये समझते हो कि तुम हमेशा इस दुनिया में रह जाओगे? जब मेरा रसूल इस दुनिया से जाएगा तो तुम सबको भी इस दुनिया से जरूर। देखिए आगा साहब, इस दर मैं सिर्फ एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि एक शायर ने बड़ा खूब कहा था कि अंबिया को भी अजल आनी है मगर इतनी के महज आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है मगर इतनी के महज आनी है, बात एक लहजा गुजर जाने के हजब साबिक वही जिस्मानी है। तो नबी अलैहि सलातो सलाम के बारे में जैसे मेरी बहन फरमा रही हैं कि वो ये तसव्वुर करते थे कि आप इस दुनिया से रुख्सत हो जाएंगे तो आपके दीन का
तमाम लिबादा वो लिपट जाएगा, तमाम मामला खत्म हो जाएगा। तो वो खत्म होने वाला नहीं था, वो फैज आज भी उसी तरीके से जारी है और मशायख उज़्ज़ाम के जरिए से वो फैज हमारे सीनों में आज भी मुंतकिल किया जा रहा जिस तरह अभी आपने फरमाया था कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो वही बात मेरा ख्याल है और शेर में भी आप कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मैं और आप इस हकीकत को समझ जाए, असल में देखें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया की मिसाल सराय खाने की सी है, तुम यहां पर आओगे तो कुछ लम्हात रुकोगे, जैसे सराय खाने में रुकते हो उसके बाद तुम्हारा सफर अगला है। अगर मैं और आप इस हकीकत को समझ जाएं कि हम सिर्फ वक्ती तौर पर यहाँ हैं, तो इंशाल्लाह तबारक व तआला अपने मामलात की इस्लाह भी कर लेंगे और आखिरत की तैयारी भी कर लेंगे। हमारा आज का टॉपिक है, ऐ हजरत इंसान तू समझता है कि हमेशा जिंदा रहेगा। हमें जाना है एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है, ऐ हज़रत इंसान तू समझता है कि हमेशा ज़िंदा रहेगा। आज 25वीं शब भी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना या गफूर। इसका वर्द भी कीजिए कि 25वीं शब के तमाम बरकात व फ्यूज़ को हम हासिल कर लें। मेरा सवाल ये है कि क्या जो लोग ये समझते हैं कि वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, क्या तकब्बुर और गुरूर के मुर्तकिब होते हैं? सवाल है मेरा मुफ्ती इमरान खान साहब। देखिए आगा साहब, पहले तो ये समझे तकब्बुर क्या है। तकब्बुर है बड़ाई। जब बंदा ये कॉन्सेप्ट बना के बैठ जाता है कि मुझको मरना नहीं है, तो हकीकतन वो तकब्बुर का ही इर्तिकाब कर रहा होता है। और हदीस शरीफ में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब फरमाता है तकब्बुर मेरा लिबास है, जो तकब्बुर करता है मेरा लिबास नोचता है, जो मेरा लिबास नोचता है मैं उसकी गर्दन तोड़ दिया करता हूँ। दूसरा लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं गुरूर, क्या वो गुरूर में मुब्तला हो जाता है? गुरूर का लफ्ज ये गरर से है और गरर के मायने धोखे के हैं। गुरूर करने वाला जो मगरूर शख्स होता है वो हकीकतन अपने बारे में धोखे में मुब्तला हो जाता है। वो समझ ये रहा होता है कि मैं कोई बहुत बड़ी अफलातून किस्म की चीज बन गया हूं, वरना हकीकतन वो कुछ भी नहीं होता। एक शायर ने बड़े खूबसूरत अशार कहे, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। वो कहता है, मौत का रख ध्यान आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। मौत ने ना छोड़ा खुसरो ना दारा, उससे तो सिकंदर सा फाते भी हारा। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, कैसे कैसे खेल बिगाड़े मौत ने। मौत का रख ध्यान आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। तो अब जो शख्स गुरूर करता है, तकब्बुर में मुब्तला होता है, वो अपने आप को ये धोखा दे रहा होता है कि मुझे मुस्तकिल रहना है। और मैं बड़ी माजरत से अर्ज करूं, मेरे साथ एक अजीब और गरीब वाकया हुआ। हम एक मर्तबा एक कॉलेज के अंदर बैठे हुए थे, कुछ असातिज़ा साथ थे, तो किसी की अपग्रेडेशन की बात हुई कि इसका रैंक कब आगे 17 से 18 ग्रेड या 18 से 19 में जाएगा। हमारे साथ एक दोस्त बैठे हुए थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। उन्होंने कहा कि फला शख्स तो उस वक्त तक अपग्रेड नहीं हो सकते जब तक पहले मैं अपग्रेड ना हूं। पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो बात पसंद नहीं आई, क्या मामला हुआ। आगा साहब अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मैं उस वक्त मौजूद था, हम साथ बैठे खाना खा रहे हैं, ऑन द स्पॉट खाना खाते हुए बंदे को हार्ट अटैक होता है, वो ऑन द स्पॉट वहीं पर मर जाता है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचने की भी नौबत नहीं आती। जिंदगी की हकीकत वो हमारे सामने ये है। तो ऐसे वक्तों के ऊपर हमें अस्तगफार करनी चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, और गुरूर और तकब्बुर जिसके अंदर हम मुब्तला हो जाते हैं उससे अपने आप को बचाना चाहिए, वरना हम दुनिया में भी खसारे में होंगे, रोजे महशर में खसारा होगा। यानी तौबा और इस्तगफार की बड़ी अहमियत है। जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया, तौबा और इस्तगफार, यहाँ पर हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ इंसान तुझे चाहिए कि तू हर वक्त इस्तगफार कर, तौबा कर, और अगर कोई अपने मरने से एक साल पहले तौबा कर लेता है परवरदिगार आलम को उसकी तौबा भी कबूल है, अगर कोई अपने मरने से एक महीना कबल तौबा कर लेता है रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को भी कबूल करता है, कोई अपने मरने से एक हफ्ता कबल तौबा कर ले परवरदिगार आलम को उसकी तौबा भी कबूल है, और अगर कोई मरने से चंद सातों पहले तौबा कर ले परवरदिगार आलम को उसकी तौबा भी कबूल है। लेकिन जहन नशीन रहे कि इस्तरारी तौबा की कोई हैसियत नहीं है, अहमियत नहीं है। मसलन सजाए मौत का कैदी, उसे तख्तेदार पर ले जाया गया, लटका दिया गया, चंद सातों का खेल है, उस वक्त वो चीख चीख के भी कहे कि मुझे मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ी चाहिए, लेकिन उस वक्त माफ़ी की कोई हैसियत नहीं होती। लिहाजा मुझे आपको हम सबको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के शबो रोज़ तौबा इस्तग़फ़ार में। मौत मालूम नहीं, मौत मालूम भी नहीं है ना दे। मौत का वक्त का कोई अंदाज़ा कोई चीज़ कैसे होगी?
मौत के वक्त का तो कोई शख्स अंदाज़ा नहीं कर सकता, लेकिन ये बात अंदाज़ों से मावरा एक आयने हकीकत है कि मौत आनी है। अब उसके लिए असल इंसान तैयारी करे, और जैसे मुफ्ती साहब ने कुछ देर कबल फरमाया था कि इंसान दुनिया में आता है रोता हुआ। मैं इसमें एक जुमला बढ़ाना चाहता हूँ कि इंसान दुनिया में रोता हुआ आता है, और उसका रद्द अमल ये होता है कि जितने अहले खाना होते हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। मामू खुश है कि भांजा आया है, चचा खुश है कि भतीजा आया है, बाप खुश है कि बेटा आया है। बच्चा रोता हुआ दुनिया में आया, अहले खाना मुतालिकीन वो मुस्कुरा रहे हैं। इस इंसान की कामयाबी यह है कि ये रोता हुआ आया था तो अहले खाना मुस्कुरा रहे थे, ये जब दुनिया से जाए तो ये मुस्कुराता हुआ जाए, पीछे दुनिया याद करके रोए के एक अच्छा इंसान चला गया। अल्लाह हू अकबर। नहीं, जैसे मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिंदा रहो तो ऐसे के लोग तुमसे मिलने के मुतमन्नी हो, और मर जाओ तो ऐसे के लोग अफसोस करें कि किस कदर काबिल कदर इंसान चला गया। तकब्बुर के साथ जिंदा रहना क्या मौत की नफी का एहसास नहीं है? तकब्बुर के साथ जिंदा रहना, इस जुमले को मैं ये कहूँ कि जो शख्स तकब्बुर कर रहा है वो दर हकीकत ज़िंदगी के तसव्वुर को ही नहीं समझा। तकब्बुर का मतलब यह है कि ख़ुद को बड़ा समझना, दूसरे को छोटा समझना। जब आलम यह हो कि नबियों के सरदार जो कायनात के सैयद व सरदार हैं वो उनकी आजिज़ी, उनकी इनकसारी, और हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम का सहाबा किराम के लिए बिश बिश जाना, यह अकाए दो जहां अलैहिस्सलाम का किरदार था कि एक ज़ईफ़ा सामान उठा रही है, सामान नहीं उठ रहा, हुजूर उसका सामान ले जा रहे हैं उठा के। वो नसीहत करती है कि मैं सामान उठा रही थी, किसी से उठा नहीं, तुम मुझे बड़े भले आदमी मालूम हुए। मैं एक नसीहत करना चाहती हूँ कि मक्के में एक शख्स ने ऐलान नबूवत किया है, मोहम्मद नाम है उसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी उसके पास ना जाना, कभी उसकी बात ना सुनना, जो उसकी बात सुनता है उसका हो जाता है। तो मैं ये नसीहत कर रही हूँ। हुजूर ने फरमाया कि मैं वही मोहम्मद हूँ जिसके मुतालिक आप कह रहे हैं। दीन फैल रहा है, ज़ईफ़ा जो कचरा फेंक रही है उसकी इयादत को जा रहे हैं। तकब्बुर जहाँ होता है वहाँ अफराद से फासला हो जाता है, जहाँ आजिज़ी होगी, इनकसारी होगी, वहाँ लोगों के दिलों में इंसान के लिए मोहब्बत आ जाएगी। हमारे साथ एक कॉलर है। जी, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं डॉक्टर काशी बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी डॉक्टर साहब, सर मैंने पूछना ये था, मुफ्ती साहब बैठे हुए, अल्लाह ताला आपको जजा दे, आप अल्लाह ताला के दीन की खिदमत कर रहे हैं। सर मैंने पूछा ये था कि कुलुन नफ्सन ज़ायकतुल मौत जो है, जैसे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मेरा जिस्म जो है वो एक टोकन की तरह है, मैं मर गया हूँ और मेरी रूह जो परवाह कर गई है, इस तरह हमें क्यों नहीं समझ आती कि हम लोग अपने मतलब नेकामों की तरफ क्यों नहीं लगते? हमारी मतलब सारी मुस्लिम उम्मा इस परेशानियों में है कि अगर हमें ये समझ में आ जाए कि जिंदगी की हकीकत क्या है और मौत की हकीकत क्या है, मुफ्ती साहब से काइंडली ये पूछ दें कि हमें क्या करना चाहिए, अपने नफ्स को किस तरह काबू में रखना चाहिए। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे भाई, मैं आपकी खिदमत में बड़ी मौदबाना अर्ज करूँ, जिस तरह आपने खुद फरमाया ना कि हम असल बात ही भूल गए, ठीक है ना, आए थे जिस काम को, भूल गई वो बात, मालिक लिखा मांगेगा हम खाली दोनों हाथ, हम अपनी हकीकत को भूल गए। तारीख में एक शख्स गुजरे मोहलत नामी, बड़ा मुतकब्बिर था, जिंदगी के अंदर इत्तेफाक ऐसा हुआ किसी अल्लाह के वली से मुलाकात हो गई, वैसे ही अकड़ के चल रहा था। आपने जब उसको देखा तो कहा साहबजादे अकड़ के ना चलो, अल्लाह को ज्यादा पसंद नहीं है। तो कहा हुजूर आप मुझे जानते नहीं इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आपने फरमाया मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूं, तू वो है जिसकी इब्तिदा उस नुतफे से हुई कि अगर जिस्म पे लग जाए या जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है। अल्लाह तू वो है। मैं आपको एक मिनट के लिए रुकूंगा, वैसे कॉलर है, मैं आपकी बात पूरी करवाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब है हमारे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे साथ कौन है? जी मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ, आगा साहब कराची से। जी इरफान साहब। जी आगा साहब, मेरा ये सवाल है मुफ्ती इमरान साहब से। जी कि बाज लोग ये वसीयत करते हैं आगा साहब कि मेरे मरने के बाद जो है वो एक मेरी किडनीज हैं या पार्ट्स वगैरह, हार्ट है या आँखें, ये सब चीज़ें डोनेट कर दीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत हो। जी तो आगा साहब क्या ऐसा सही है ऐसा करना कि मतलब मरने के बाद ऐसा ये सब चीज़ें डोनेट करना? जी मोहम्मद इरफान साहब, आपका सवाल मैंने सुन लिया, अभी हम इसका जवाब देते हैं। मुफ्ती साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए और उसका जवाब दीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि उस मोहलत नामी शख्स से उन बुजुर्गों ने फरमाया कि मैं तुम्हारी हकीकत बहुत अच्छी तरह जानता हूँ,
तुम्हारी हकीकत यह है कि तुम्हारी इब्तिदा उस नुतफे से हुई है कि अगर वजूद से निकल जाए तो वो जिस्म नापाक हो जाता है, गुसल फर्ज हो जाता है। तुम्हारी इंतहा वो मट्टी है जिसको लोग अपने पैरों तले रोनते हैं, तुमने उस कब्र में जाना है, और बीच का जितना दौरानिया है तू अपने पेट में गोबर लेकर घूमता है और उसके बाद अकड़ता इस बात पर है जैसे तू कोई बहुत बड़ी चीज हो गया। तो अगर मेरी और आपकी ये समझ में आ जाए हमारी इब्तिदा भी क्या है, हमारी इंतहा क्या है और बीच में हमारी हालत क्या है, तो मेरा ख्याल है तकब्बुर में मुब्तला नहीं होंगे। जहां तक मेरे ये भाई बात करें कि ऐसे लोग जो अपने आज़ाए जिस्मानी को डोनेट करते हैं अपने मौत के बाद, ये सही है या नहीं है? मेरे भाई जहन में रखे कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बि अन्न लहुम अल जन्ना, कि अल्लाह ने मोमिनीन से उनके माल और उनकी तमाम चीजें खरीद ली हैं जन्नत के इवज में। इसका मतलब यह हुआ कि हम ऑलरेडी बिकाऊ माल हैं, बिके हुए हैं, हमारी अपनी कोई चीज नहीं है। जब कोई चीज हमारी मिल्कियत में ही नहीं है तो हमें यह हक नहीं है हम अपनी मर्जी से उसको डोनेट करते फिरें। ये अल्लाह ने हमें जो चीज दी है वो हमारे पास है, जो दूसरे भाई को दी है वो उसके पास है। किसी को हक नहीं है कि मरने के बाद अपनी चीजें लोगों में डोनेट करता। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। मतलब मेरा भी यही ख्याल है जो मुफ्ती साहब फरमा रहे। आप कुछ इसमें पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल, असल बात यही है कि हमारा जो जिस्म है वो हमारी मलकियत नहीं है। और जो बिल्कुल इस प्रोग्राम की इब्तिदा में बात हुई थी उससे भी इसका एक रब्त है कि खुदकुशी भी इसीलिए हराम है कि ये जान अगर आपकी होती तो आपको अख्तियार था कि आप मार डालें, लेकिन ये जान इंसान की नहीं है इसलिए उसको खुदकुशी का अख्तियार नहीं है। इसलिए ये जिस्म भी हमारा नहीं है, इसलिए हमें अख्तियार नहीं कि जो चीज़ हमारी मलकियत नहीं है उसके मुतालिक हम कोई इस तरह की वसीयत कर सकें। क्या हम मुत्तफिक अलैह इस बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि इस तरह के अपने पार्ट्स को डोनेट करना इस्लाम की नज़र में जायज नहीं है? बिल्कुल, क्या हम मुत्तफिक हैं? देखिए जी, मैं आगा साहब एक थोड़ा सा मोहतात कॉल लूंगा। हमारे कुछ उलमाए कराम की इस तरफ रहनुमाई है कि इससे अवामुन नास का फायदा होता है तो ये काम कर लेना चाहिए। लेकिन जहां तक इस पैनल की बात है तो मेरा ख्याल है हम तीन अफराद एटलीस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये एक गैर मुनासिब अमल है, अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह बेहतर जानता है किसको क्या नेमत देनी है किसको क्या नेमत नहीं देनी। तो अगर अल्लाह ने हमें दी है तो हम उसको बांटते ना फिरें, अपनी जात तक महदूद रखें, और जिसके साथ ये मामला हुआ है अल्लाह इंशाल्लाह उसको बेहतरीन कोई बदल अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारा टॉपिक ए इंसान तू हमेशा जिंदा रहेगा। हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पर। इसके साथ लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अजान फजर का वक्त हो गया है। कुछ देर के बाद लाहौर के लोग इंताए सहर करेंगे। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। वेलकम बैक प्रोग्राम जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। आज हमारा टॉपिक है ए हज़रत इंसान तू समझता है कि हमेशा ज़िंदा रहेगा। इस टॉपिक पर हमारे गुफ्तगू मुसलसल जारी है, लेकिन आज 25वीं शब है। अल्लाहुम्मा अजलना मिनन नार और अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना या गफूर। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद राहत हमीद साहब। मोहम्मद हमीद साहब अस्सलाम वालेकुम। हज़रत कुछ अदा कीजिए। अलिफ अल्लाह चंबे Hey।
जाए माशाल्लाह सुभान अल्लाह तबारकल्लाह। ये सुल्तान बा का कमाल था, कलाम था। हु आप खुद लगा लीजिए, इसकी एक हर मिसरे के बाद उनका कलाम खुद बोलता है कि ये किसका कलाम है। हम हाजिर होंगे अब एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए दुनिया न्यूज़ पर जश्न रमजान। वेलकम बैक जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। आज हमारा टॉपिक है, ऐ हजरत इंसान तू समझता है कि हमेशा जिंदा रहेगा, फना क्या है, बका क्या है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। मुफ्ती साहब आपसे शुरू करते हैं। सुभान अल्लाह, आगा साहब आपने एक ऐसी बहस छेड़ दी है कि इसके ऊपर तो पता नहीं कितना बोलना चाहिए। मुख्तसर सा फना और बका, मुझे फना और बका के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत पहले बात याद आ गई, मैं वो ज़रूर अर्ज़ करूँगा। हमारे नक्शबंदिया सिलसिले के एक बुज़ुर्ग गुजरे हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह।
آپ سے کسی نے یہ سوال پوچھا حضور یہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے, آپ نے بات سنی تو کہا حضور بیٹا جب میرا انتقال ہو تو جو شخص آ کر میرا جنازہ پڑھا ہے اس سے پوچھنا فنا کیا ہے بقا کیا ہے. مرید چلا گیا, وقت گزرتا رہا, زندگی کے لمحات گزرتے رہے, یہاں تک وہ وقت آیا کہ حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے. جب آپ کے جنازہ پڑھانے کے لیے لوگ صفے باندھے کھڑے تھے تو انتظار تھا پتہ نہیں کون آئے گا جنازہ پڑھائے گا, دور دیکھا ایک شخص آ رہا ہے گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے چہرے پر اس طریقے سے نقاب ڈلا ہوا ہے. کہتے وہ شخص آیا گھڑ سوار گھوڑے سے اترا, آ کے مسلح کے اوپر کھڑا ہوا امامت کے مقام پر, تکبیر کہی, جنازہ پڑھایا. جب جانے لگے سواری پر بیٹھے تو وہ نوجوان لڑکا جس نے یہ سوال پوچھا تھا حضور فنا کیا ہے بقا کیا ہے, آپ کے پاس چلا گیا, جا کے ان بزرگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہا حضور میں نے اپنے مرشد سے یہ سوال پوچھا تھا فنا کیا ہے بقا کیا ہے, آپ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. کتب میں یہ بات باقاعدہ طور پر منقول ہے, فرماتے ان بزرگوں نے یہ بات سنی تو چہرے پر جو نقاب تھا اس طریقے سے پردہ ہٹایا, دیکھا جس کا جنازہ پڑھایا گیا تھا وہی جنازہ پڑھانے والا بھی تھا. آپ نے فرمایا بیٹا وہ جو ہے فنا ہے, یہ جو ہے یہ اس کی بقا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ان مشائخ کی پوری زندگی وہ اس طریقے سے اللہ کے ذکر میں گزرتی تھی, اللہ کی یاد میں گزرتی تھی کہ یہ جب اس ظاہری دنیا سے رخصت ہوتے تھے اس کے باوجود بھی ان کے فیوض و برکات وہ لوگوں میں عام رہتے تھے. اور یہ بات عین قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق ہے جس پر ہم دو دن قبل گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, خبردار جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں, اس کا ذکر کرتے ہوئے مارے جائیں, اس کی یاد میں کوششیں کرتے ہوئے مارے جائیں, جہاد کرتے ہوئے مارے جائیں, چاہے وہ جہاد نفس کے خلاف ہو یا جہاد بالسیف ہو, تو ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون, تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو اسی بات کو مزید آگے بڑھانا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا فنا اور بقا کے جو معاملات ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں, جس کے لیے قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہنا, وہ شہید ہے, وہ بارگاہ الہی سے اپنا رزق حاصل کرتا ہے. یعنی جو منزل شہادت ہے یہ موت کا اعلیٰ و عرفہ ترین جاویدہ ترین منزل ہے. یہ وہی منزل شہادت ہے کہ جس کے لیے میدان کربلا میں جب امام علی مقام نے اپنے 13 برس کے بھتیجے حضرت قاسم سے پوچھا کہ بیٹا تم موت کو کیسا پاتے, انہوں نے کہا چچا جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. یہ وہی منزل موت ہے جس کے لیے جب ابن زیاد نے اپنے دربار میں علی ابن حسین زین العابدین کو کہا کہ اس انہیں قتل کر دیا جائے, تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, انہوں نے کہا کہ تو قتل ہونے سے ہمیں کیا ڈراتا ہے, قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری کرامت. دیکھیں آغا صاحب, ہم نے آپ سے عرض کی تھا کہ یہ فنا اور بقا, تو آپ نے ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ گفتگو کتنی کرتے چلے جائیں. بہرحال ہم مختصر کرتے ہوئے ایک حدیث شریف پر آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خلاصہ یہ فرمایا, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت, فرمایا جو اللہ کا ذاکر ہے وہ زندہ ہے, جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. اگر میں اور آپ دائمی زندگی چاہتے ہیں, مرنے کے بعد کی زندگی بھی اچھی چاہتے ہیں, تو اللہ کا ہمیں ذاکر بننا پڑے گا. انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, اللہ نے دکھایا ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. مفتی صاحب, فیصل علی صاحب, دو چیزیں عرض کروں. پہلی بات تو یہ کہ یہ طے ہوگی کہ شہادت کی جو موت ہے وہ ابدی زندگی ہے, لیکن اس کے بعد جملہ ہے ولا تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہے, اس کے بارے میں فرمائیے. اس لیے کہ ابھی جو مرنے کے بعد کی زندگی کا جو عالم برزخ ہے وہ انسان کے مشاہدے سے ماورا ہے, لہٰذا انسان بہت ساری ایسی باتوں پر ایمان لاتا ہے جو اس کا مشاہدہ نہیں ہوتی, لیکن کائنات کی وہ حقیقت ہوتی ہے, لہٰذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ہم نے خدا کو نہیں دیکھا, ہم نے جنت جہنم نہیں دیکھی, ہم نے تورہ زبور قرآن انجیل اترتے نہیں دیکھا, لیکن یہ کائنات کی حقیقتیں ہیں, اس لیے ہمیں ان پر ایمان لانا لازمی ہے, ہم پر ضروری ہے. اور وہ بات جو فنا اور بقا کے حوالے سے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہن نے کربلا کا ذکر کیا, میں کربلا سے ہی ایک استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ شب عاشور دو شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے ساری رات ٹہل کر گزاری. ایک عمر بن سعد جو سوچتا رہا کہ میں یزید کا ساتھ دوں کہ حسین ابن علی کا ساتھ دوں, کل مجھے مر جان, اگر حسین ابن علی کا ساتھ دوں گا کل موت ہے, مر جاؤں گا, لیکن اس کے بعد ایک جنت ہے, اس کے بعد ایک بقا ہے. دوسری جانب اگر میں یزید کا ساتھ دیتا ہوں تو یہ دنیا میرے لیے جنت ہے لیکن مرنے کے بعد جہنم ہے. ساری رات عمر ابن سعد بھی ٹہلا, ساری رات حضرت حر بھی ٹہلے, دونوں نے ساری رات سوچا کہ ہمیں دنیا کی زندگی کو جنت بنا لیں یا آخرت کی جنت کو پا لیں.
और दोनों ने रात भर टहलने के बाद अपनी अपनी राहें मुतय्यन की। उमर इब्ने साद यजीद के साथ शामिल हो गया, हजरत हुर इमाम हुसैन के साथ शामिल हो गए। वक्त करबला का गुजर गया, आशूर का दिन गुजर गया। आज 1500 साल के बाद तारीख फैसला कर चुकी कि उमर इब्ने साद का नाम एक की बदबख्ती की अलामत है और हजरत हुर का जब नाम आता है दिल झुक जाते हैं। हजरत हुर को आज भी दुनिया सलाम पेश करती, ये बका है। और वो जिसको बका समझा था उमर इब्ने साद ने, दर हकीकत वो उसकी फना थी। अच्छा, इसकी दलील हमें मैदानी करबला में ही मिलती है, जब उमर इब्ने साद को इमाम अली मकाम सैयदुल शहदा ने मक्तली करबला में बार बार खुतबात इरशाद फरमाए। यानी कोई ये नहीं कह सकता था कि हम नहीं जानते थे आप क्या रसूल के नवासे थे या आपकी क्या शख्सियत थी। बार बार अपना तारुफ कराया, मैं फर्जंद अली बतूल हूँ, मैं लख्त जिगरे रसूल हूँ, मैं बार बार तारुफ कराते गए। उमर इब्ने साद से राय की हुकूमत का वादा किया गया था। सैयदुल शहदा ने जमाना ने जन्नत के सरदारों में से एक सरदार हैं, आपकी ज़बान सिद्क ने कहा मैदान आशूरा में उमर इब्ने साद से कि तुम्हें रय की गंदम खाना नसीब नहीं होगी, किसी धोखे में ना रह जाना। तो और उस वक्त उमर इब्ने साद ने इस्तेहज़ा के अंदाज में, तज़हीक के अंदाज में कहा कि कोई बात नहीं हुसैन, अगर रय की हुकूमत नहीं मिली तो मैं रय की जॉब पर गुजारा कर लूंगा। अब जिस वक्त उमर इब्ने साद को रय की हुकूमत भी नहीं मिली, कत्ल हुसैन से हाथ भी रंग लिए और जहन्नुम भी मुंतजर थी, और जब लोगों ने उसे बाद में दीवानों की तरह कूफे की गलियों में फिरते हुए देखा तो लोगों ने कहा कि कल तक तो तू रय की हुकूमत के परवाने लिए फिरता था, आज ये दीवानों की तरह कैसे गुजार रहा है। तो उसने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, वल असर इन्नल इंसाना लफी खसर, जिंदगी खसारा ही खसारा, बेशक जिंदगी खसारा है। फन्ना और बका की गुफ्तगू चलती रहेगी। आइए मुस्तफीद होते हैं एक नात से। मोहम्मद हज़रत जी, हमारे हाज यूसुफ मोहम्मद साहब, मौजू की मुनासिबत से एक कलाम की ये दो तीन बन है। अल्लाह 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 बंदे हर दम अल्लाह 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 बंदे हर दम अल्लाह अल्लाह बाके मिन कुल फानी अल्लाह बाके मिन कुल फानी अल्लाह अल्लाह बंदे हर दम अल्लाह पीछे पीछे मौत है तेरी पीछे पीछे मौत है तेरी आगे आगे तू अल्लाह अल्लाह बंदे हर दम अल्लाह ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ओ गाफिल इंसान सब कुछ जाने जान बूझ कर बने है क्यों अनजान सब कुछ जाने जान बूझ कर बने है क्यों अनजान दारा और सिकंदर जैसे शहनशाली शान लाखों मन मट्टी में सो गए बड़े बड़े सुल्तान तेरी क्या औकात है बंदे कुछ भी नहीं है तू अल्लाह अल्लाह बंदे हर दम अल्लाह 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 बंदे हर दम अल्लाह तेरा मेरा जीवन जैसे तेरा मेरा जीवन जैसे चलते फिरते साए जूं जूं बीती जाए उमरिया जीवन घटता जाए जूं जूं बढ़ती जाए उमरिया जीवन घटता जाए मौत खड़ी है सर पे तेरे
जाने कब आ जाए, मौत खड़ी है सर पे तेरे जाने कब आ जाए, एक सांस का पंछी है तू, एक सांस का पंछी है तू, कौन तुझे समझाए, रह जाएगा रह जाएगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगी रूह, अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह, अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह। ये बरमौजू एक कलाम के दो बंद मुझे याद आ रहे थे, अब एक नाशरीफ के चंद अशआर। नाशरीफ शायर नबी पाक के नात यूं बयान करने की कोशिश करता है कि नात महबूब खुदा लप मेरे आई है, नात महबूब खुदा लप मेरे आई है, मैंने लिखी नहीं सरकार ने लिखवाई है, मैंने लिखी नहीं सरकार ने लिखवाई है, हश्र में ज़ुल्फ नबी शानों पे लहराई है, हश्र में ज़ुल्फ नबी शानों पे लहराई है, मैं कसो दौड़ो के कौसर पे घटा छाई है, मैं कशो दौड़ो के कौसर पे घटा छाई है, मैं उन्हें याद करूं और खबर उनको ना हो, मैं उन्हें याद करूं और खबर उनको ना हो, ये मेरे जज्बे एहसास की रुसवाई है, ये मेरे जज्बे एहसास की रुसवाई है, मंजरे गुंबदे खजरा है मेरी आंखों में, मंजरे गुंबदे खजरा है मेरी आंखों में, अब खुला मुझ पे कि क्या कीमत बीनाई है, कला मेरी मजबूरी है। कराची और उसके मुजाफात में अजान फजर का वक्त हुआ चाहता है, इंशाल्लाह ताला हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए जश्न रमजान दुनिया न्यूज पर। वेलकम बैक, जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। आज 25वीं शब हमारा जो पूरा प्रोग्राम था इस मौजू पर था कि ऐ हज़रत इंसान तू समझता है कि हमेशा ज़िंदा रहेगा, इस हवाले से मैं चाहूँगा कि अपने इस मौजू को कंक्लूड करें मुफ्ती इमरान साहब। देखिए आगा साहब, हम अपनी गुफ्तगू को एक हदीस शरीफ की मदद से कंक्लूड करेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया कि बादशाह ने दस्तरखान लगाया और एक मनादी को भेज दिया कि निदा करो कि लोग आए और आकर उस बादशाह के दस्तरखान से फैज़याब हों। मनादी जाता है, लोगों को निदा करता है, जो उस मनादी की निदा पर लब्बैक कहेगा बादशाह के दस्तरखान से फैज़याब हो जाएगा, जो मनादी की निदा को नहीं सुनेगा बादशाह के दस्तरखान से महरूम हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बादशाह अल्लाह है,
दस्तरखान जन्नत में लगा हुआ है। मनादी करने वाला मैं मोहम्मद हूं, मैं तुमको निदा करता हूं, आ जाओ अल्लाह के दीन की तरफ, उस पर अमल करो, अल्लाह के दस्तरखान से फैजियाब हो जाओ। जो आएगा वो अल्लाह के दस्तरखान से फैजियाब हो जाएगा, जो नहीं आएगा महरूम रह जाएगा। मैं और आप अपनी बचत, अपनी आखिरत को संवारना चाहते हैं, मौत से फायदा उठाना चाहते हैं, वाहिद हल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर इत्तेबा की सुन्नत की इत्तेबा करें, आपके दीन पर अमल करें, आपकी शरीयत पर अमल करें, इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे, वरना दुनिया में भी रुसवाई है, आखिरत में भी जिल्लत और ख्वारी हमारा नतीजा बन जाएगी। खसारा क्या वाकई हमारा नसीब है? आगा साहब, मैं इस बात को यूँ समेटना चाहूँगी कि आज हमारे बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं कि आखिर परवरदिगार आलम ने ये अजीम सिस्टम क्यों बनाया। ये जो एक अजीम सिस्टम निज़ाम हमें नज़र आ रहा है, इंसान पहले दुनिया में आएगा, फिर होश संभालेगा, उसे नेकी खैर और शर के रास्ते बताए जाएंगे, उसके बाद वह अपने इख्तियार से ज़िंदगी गुजारेगा, या नेकी के रास्ते पर या बदी के रास्ते पर, उसके बाद इसे दुनिया से जाना है और उसके बाद फैसला जन्नत का या जहन्नुम का होना है। तो हमारे बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं कि ये इतना लंबा चौड़ा सिस्टम क्यों बनाया गया? परवरदिगार आलम आलिमुल गैब, वो अला कुल्ले शयन कदीर, उसने पहले ही दिन अपने इल्म की बिना पर ये क्यों नहीं फैसला कर दिया कि कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा? तो इसका जवाब मैं क्या दूं? इसलिए कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, सूरह मुल्क में तबारकल्लज़ी बैदहुल मुल्क वहुवा अला कुल्ले शयन कदीर, पैदा किया उसने मौत और हयात को इसलिए ताकि वो देख सके कि तुम में से किसके आमाल अच्छे हैं। हम जजा या सजा जो कुछ भी है हम खुद कमाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम जो कुछ भी यहाँ पर नेकियाँ कमाएंगे उसका सिला वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। फैसला ये साहब, कमाएंगे क्या, मिलेगा क्या, फिर वहीं आ गए। कुरान हकीम ने इसको बयान किया है, उसके लिए पूरी एक सूरह मुबारक नाजिल फरमाई, अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तग़लमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तग़लमून। तुम्हें कसरत की हिर्स ने गफलत में रखा, तुम कोई किसी चीज़ पर इंसान इक्तफा नहीं करता, जो चीज़ चाहता है दौलत हो कसरत में, जायदाद हो कसरत में, नेमतों की कसरत चाहता है, कसरतों की हिर्स ने गफलत में रखा, यहाँ तक के इंसान अपनी कब्रों तक जा पहुंचा, मौत तक पहुंच गया। और फिर कुरान हकीम ने जहां कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, वहां कुरान ने यह भी कहा वमिनन नासि मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अपने नफ्स की तिजारत करते हैं, अपना नफ्स अपने रब को बेच देते हैं, अल्लाह की रजा को खरीद लेते हैं। तो मौत आनी थी नफ्स को, लेकिन वो बंदे जो अपना नफ्स बेच चुके उनके लिए फिर हयात दायमी है, उनके लिए हयात अबदी है। तो हम अपने नफ्स को अगर अपने माबूद के सुपुर्द कर दें और अपने माबूद की मर्जी को अपना मंशूर हयात बना लें तो फिर हयात दायमी है। बेशक आगा साहब, एक जुमला सूफिया ने जो कहा है मैं वो नकल कर दूं, आपने फरमाया मुत कबल अंतमुत, मरने से पहले मर जाओ, अपनी ख्वाहिशात को मार लो, तुम दुनिया की जिंदगी भी पालोगे उखरवी जिंदगी भी पालोगे। बेशक नाज़रीन, ये आज का मौजू था, ए हज़रत इंसान तू समझता है कि हमेशा ज़िंदा रहेगा। हमारे पैनल के लोगों ने बहुत अच्छी तरह इसको कंक्लूड करने की कोशिश की। आज 25वीं शब है, शायद आज शब कदर हो, हमें तलाश करनी है। आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सरबसजूद हों, कुछ दुआ की तरफ आएँ। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे साथ दुआ करवाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, व क़िना अज़ाबल क़ब्री, व क़िना अज़ाबल हश्री, व क़िना अज़ाबल मीज़ान। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु व कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लन तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, ख़ताकार हैं, या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह अपनी अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह, गैर की मोहब्बत से दिलों को पाक साफ़ फरमा। या अल्लाह, सीना मुनव्वर फरमा, दिलों को ज़िंदा फरमा। या अल्लाह, हमारे ज़ाहिर बाशरा बातिन बाखुदा फरमा। या अल्लाह, अपने दीन पर कामिल अमल की तौफीक अता फरमा, जो अमल कर रहे हैं उन्हें अपने शान के मुताबिक अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह, हम में जो लोग बीमार हैं उन तमाम को शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिला अता फरमा। या अल्लाह, हम ज़ाहिर में भी बीमार हैं, हम बातिन में भी बीमार हैं, हम तमाम को ज़ाहिर और बातिन के दोनों अमराज से शिफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह, हमारे जितने अजीज़ व क़ारिब इस दुनिया से रुख्सत हो चुके, मौला अपने फ़दल से उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह,
रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, इसकी आखिरी रातें हैं, आखिरी साआतें हैं। मौला तेरी रहमत अपने जोबन पर होती है, हम गुनाहगार बंदों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। मौला हमारे तमाम सगीरा कबीरा छोटे बड़े ज़ाहिर पोशीदा तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमें खैर का वाफिर हिस्सा अता फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसकी जुग्राफियाई इसकी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह शहर कराची को अमन का गहवारा बना। या अल्लाह जो लोग नाहक इस शहर में इस मुल्क में कत्ल किए जा रहे हैं, या अल्लाह उन तमाम को शहादत का रुतबा अता फरमा। या अल्लाह हमें ज़ालिमों के जुल्म से, हासिदों के हसद से, जलीलों की जलालतों से, शरीरों की शरारतों से महफूज फरमा। या अल्लाह हमें अपनी पनाह अजीम अता फरमा। या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तेबा करने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को हमारे लिए सदका जारिया बना। मौला हमारे बच्चों को अपने दीन का खादिम बना। या अल्लाह हमारे घरों को अपने दीन का मराकज बना। या अल्लाह हम तमाम को अपने दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम के अंदर दीनी जज्बा अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम के अंदर दीनी शऊर पैदा फरमा। या अल्लाह हमारी बहनों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे भाइयों को अपनी आँखों में शर्म हया सजाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे जो बच्चे जिस मकाम पर कोशिशें कर रहे हैं, या अल्लाह उन तमाम को हर कोशिश का बेहतरीन बदल अता फरमा। या अल्लाह उनको खैर का वाफिर हिस्सा अता फरमा। या अल्लाह दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा, दीन दुनिया की खैर अता फरमा। या अल्लाह हम जो मांगना चाहते हैं हमें वो तमाम चीज़ें अता फरमा। या अल्लाह जो हमें मांगना चाहिए था हम नहीं मांग सके, या अल्लाह तू हमें वो भी अता फरमा। या अल्लाह तुझसे तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो खैर मांगी है हम उस हर खैर का सवाल तुझसे करते हैं, मौला हमें हर वो खैर अता फरमा। या अल्लाह जिस जिस शय से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी पनाह मांगी है हम उस शय से पनाह चाहते हैं, मौला हमें अपनी दायमी पनाह अजीम अता फरमा। या अल्लाह हमारे हालों पर रहम फरमा, हमारे बुजुर्गों को सेहत और तंदरुस्ती अता फरमा, हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम फरमा। या अल्लाह हमारे नौजवानों में दीनी शऊर और दीनी गैरत को बेदार फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में दीन दुनिया की भलाइयाँ, दीन दुनिया की खैर अता फरमा। या अल्लाह हमारे जान माल रिस्क इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। जान माल रिस्क इज़्ज़त आबरू में या अल्लाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह अपने फजल व करम से हम तमाम को माला माल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वातुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु व कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार व क़ीना अज़ाबल क़ब्री व क़ीना अज़ाबल हश्री व क़ीना अज़ाबल मीज़ान برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وعلماء امته وصلحاء ملته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ناظرین یہ تھا پروگرام جشن رمضان دنیا نیوز پر صرف سب فانی अल्लाह बाकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।